जय माता दी फ्रेंड्स, वाव इंडिया वाव में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना हो जिसमें 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान हों? आज हम आपको जम्मू के बहुत ही फेमस मंदिर रघुनाथ टेम्पल के दर्शन कराएंगे। इस कहा जाता है इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान हैं, और जो भी अपने जीवन काल में 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको लेके आए हैं रघुनाथ टेम्पल। अब हम आपको कराते हैं रघुनाथ टेम्पल के दर्शन। रघुनाथ मंदिर में श्री राम भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। मंदिर परिसर में अनेक मंदिर हैं जिनमें हमारे 33 कोटि देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। जिन भी भक्तों ने रघुनाथ टेम्पल के दर्शन किए हैं वो कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाएं। वे भक्त बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने जीवन काल में 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 2002 में इस मंदिर पर आतंकवादी हमला भी हुआ था, जिसके बाद यह मंदिर भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था, और 2013 से यह मंदिर भक्तों के लिए दोबारा खोला गया है। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। जो भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं वो जम्मू में रघुनाथ टेम्पल के दर्शन करके ज़रूर आते हैं। अगर कभी आप भी वैष्णो देवी जाएं तो रघुनाथ टेम्पल के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ जाकर मन को बहुत ही शांति मिलती है, और यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ हमें 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन एक साथ होते हैं। नहीं देख रहा है वो। देखो घूम रहे ना। इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर 12,25,000 शालिग्राम मौजूद हैं। अब हम आपको कराते हैं पवित्र शालिग्राम के दर्शन। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मंदिर परिसर में दोनों तरफ, ये छोटे छोटे शालिग्राम हैं। ये क्या चीज़ है? हमने हर मंदिर में देखा है ये शालिग्राम। हाँ पता है ठाकुर जी। हाँ हाँ 12,25,000 पूरे मंदिर को मिला के ये चीज। और हमने इनमें ऐसे ऐसे नाम भी देखे जो हमने सुने भी नहीं, सुने नहीं थे। हाँ और आगे पीछे भी ये मूर्ति के तब बाहर निकलो तो उस तरफ भी है। तो टोटल टोटल कितनी प्रतिमाएं हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। इतने ही ये 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 365 उससे ज्यादा है, मतलब कम नहीं है। कम नहीं है। और कितने साल पुराना मंदिर, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत पुराना लग रहा है। 200 साल हो गए कम से कम। तो पहले मंदिर बहुत देखे पर ऐसा मंदिर तो इधर ही दिखा। अच्छा